नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, से आपको मालूम है कि यूपीएससी 2023 का जो पेपर प्रीलिम्स जब से हुआ है और इसका रिज़ल्ट आने के बाद में, और जिस तरह के विवाद हैं वो विवाद जो है बढ़ते जा रहे हैं। और बेसिकली ये जो विवाद है वो सीसेट को लेकर था, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसके विरोध में कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन, और यहाँ तक कि वो न्यायालय की शरण में भी जा चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो विवाद है ये इसका दायरा जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, और ना केवल ये मामला अब सीसेट का रह गया है बल्कि यूपीएससी में जो बहुत तरह की अनियमितता जो है उसको लेकर बहुत सारे आवाज़ें जो हैं हर तरह से सुनाई दे रही हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग ये इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स के अपने कंसर्न हैं, वो इसमें बदलाव चाहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, से सबसे जो बड़ी बात है कि लोग ये तुरंत बोल देते हैं कि यूपीएससी जैसी संस्था पर उंगली उठाना, उसकी विश्वसनीयता पर शक करना, ये सही नहीं है। बहुतों का ऐसा मानना है कि यूपीएससी जो है अपनी जगह सही है, हम लोग जो हैं अपनी तैयारी को उस स्तर तक करें और जो है सफल बने। ठीक है, बात सही है कि जो कंपटीशन है उसके स्तर तक आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जो आयोग के स्तर पर जो खामियां हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर आवाज़ नहीं उठना चाहिए। इसलिए आवाज़ जो है उठने चाहिए क्योंकि आयोग जो है अपनी नोटिफिकेशन में जिस तरह की बातें करता है उस स्तर पर वो जो है इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन जो देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदी भाषी स्टूडेंट हो या फिर जो स्थानीय भाषा की पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे हैं उनके साथ जो देखने को मिलता है, वो अब हाल के दिनों में और तेज़ी से उसमें बढ़ावा मिला है। ठीक है, और सीसेट का जो स्तर है वो तो सबके लिए एक समस्या बना ही हुआ है, और जो सीसेट का जो अनफेयर जो ग्रुप बना हुआ है उनमें बहुत सारी चीज़ों को मुद्दे उठाए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हिंदी और स्थानीय भाषा के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, और ये जो कैट और आईआईटी लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको ये ज़्यादा जो है बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और इसी को लेकर एक ग्रुप बना हुआ है सीसेट में। इस बार आपको मालूम है कि कट ऑफ की मांग जो है कम करने की मांग चल रही है, और ये जो कट ऑफ जो है 33% से सीधे कम करके 23% जो है कम करने पर जो है अभी उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। ठीक है, तो ये बातें जो है इसमें की गई हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें बताया गया है कि इनकी जो मेन जो मांगे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, चिंताएं हैं जो कि ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बता दिया कि 33% का जो कट ऑफ है वो 23% करने की बात चल रही है। इसके बाद उन 25 से अधिक प्रश्नों को हटाए जाने की बात चल रही है जो पाठ्यक्रम से बाहर थे, जैसा कि 2020 के जीएस पेपर 1 और 2 के लिए किया गया था। सेट ए में इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया है कि संदर्भ में लेते हुए प्रश्न संख्या 27 और 52। इसके अलावा यूपीएससी 2021 में जो जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें एक सेट जो है सेट ए का संदर्भ लेते हुए बताया गया है कि एक प्रश्न जो है पेपर 1 का हटाया गया था, प्रश्न संख्या 80 को हटाया गया था। ठीक है, 80 को। और इसी तरह से जो है इन्होंने बताया है कि जब जब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आए हैं तो आयोग ने उस पर संज्ञान लिया है, उसको आउट ऑफ सिलेबस करार देकर बाहर किया है, चाहे वो जीएस हो चाहे सीसेट हो। लेकिन इस बार जो देखा गया है फ्रेंड्स, से जो सीसेट का जो पेपर था वो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा ही होगा, अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिया होगा तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपने क्वेश्चन तो देखा ही होगा, उसका एनालिसिस किया ही होगा। तो आपने भी देखा होगा क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पूछे गए थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसा कि आयोग ये बताते रहा है कि 10th के लेवल पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उस स्तर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, जो पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा। ठीक है, तो ये बातें इसमें की गई है। इस मांग के संबंध में कानूनी कार्रवाई भी की गई है, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले ये जो प्रक्रिया जो अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया वो कैट के माध्यम से अपनाई गई, क्योंकि ऐसे मामलों को कैट ही सुनवाई करता है। इसके बाद जो है हाई कोर्ट में ये मामले को लेकर गए, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कैट को बोला कि आप जल्द से जल्द जो है छात्रों की मांग पर सुनवाई कीजिए और उस पर जो है संज्ञान लीजिए। ठीक है, और आपको मालूम है कि अगली जो हियरिंग है वो 20 जुलाई को जो है निर्धारित की गई है। देखते हैं कि उसमें क्या है, कैट का क्या जजमेंट आता है। तो इन्होंने ये सब पूरा किया है, पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है
इनकी जो मांगे हैं वो क्या क्या मांगे हैं देखिए। अब ये जो मांग है इनकी कट ऑफ को लेकर इस बार तो है ही, अब ये पूरी तरह से मांग कर रहे हैं कि सीसेट पेपर को ही हटा दिया जाए। ठीक है, मांग कुछ हद तक इनकी जायज़ भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीसेट जो है पूरी तरह से ख़त्म होगा। लेकिन वही है कि मांग को ये लोग इतना आगे बढ़ा के करना चाह रहे हैं ताकि UPSC जो है एक मिनिमम समझौता कर ले और कम से कम जो क्वेश्चन के स्तर पे जो है सुधार करे, बदलाव करे, और कम से कम सिलेबस में जो मेंशन है उसके स्तर पर दे। तो इन लोग चाह रहे हैं कि आगे इतना बढ़ के मांग करें ताकि UPSC एक स्तर तक जो है कम से कम सिलेबस के स्तर तक जो है अपना समझौता कर सके। ठीक है, तो पहला इन लोग का मांग जो है कि सीसेट को हटा दिया जाए, और पहला जो यहाँ पर मैंने दिखाया कि इनका मांग है सीसेट को ही हटा देना। ये कारण भी बताए हुए हैं कि किस तरह से छंटनी प्रक्रिया हो रही है और जो वंचित जो वर्ग हैं, जो स्थानीय जो भाषा के और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो किस तरह से बाहर हो रहे हैं, और इस तरह के बताया गया है। और बहुत तरह की सिफारिश भी बताए हुए हैं, सीसेट को हटाने की सिफारिश दी गई थी। इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं बताई गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि ये डेटा रखे हुए हैं कि 64% उम्मीदवार जो हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अभी जो हैं सफल हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे जो है ये भारत COVID-19 के दरमियान जो जो बच्चे जो है अटेम्प्ट नहीं दे पाए थे और किसी कारणवश या तो वो COVID-19 से ग्रसित थे, पीड़ित थे, और या किसी और कारण से जैसे मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं तो वो जो है आपको मालूम है कि उस चीज़ों में जो है COVID-19 के दरमियान वो अपना सर्विसेज देते रहे और उसके कारण से वो अपने अटेंड नहीं दे पाए। और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सुशील कुमार मोदी जो सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर जो है आगे की जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, पूरी तरह से आप PDF को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो इसमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि टोटल 47 जो क्वेश्चन थे इस बार के पेपर में सीसेट के, वो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उसको जो है बोला जा रहा है कि हटाने के लिए और फिर से मूल्यांकन करने के लिए बात ये भी चल रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उसको हटा के आप ये कीजिए, कितने बोल रहे हैं कि कट ऑफ को ही कम कर दीजिए, नहीं तो बहुतों का ये मानना है कि आप एग्ज़ाम ही फिर से ले लीजिए। तो एग्ज़ाम तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि फिर से एग्ज़ाम होगा। अब देखिए क्या होता है, अब अभी कुछ कह पाना सही नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। इसके बाद जो एज की जो गणना है वो जैसे कि UPSC जो है 1 अगस्त से करता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 1 जनवरी से जो है किया जाए ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है बहुत सारे इसके कारण से स्टूडेंट जो है एज के कारण से एक जब 1 अगस्त से गणना की जाती है तो उसके कारण से बाहर हो जाते हैं, तो एक तरह से उनके साथ ये भेदभाव होती है। तो इस तरह की बातें हैं। देखिए, मुद्दे बहुत सारे उठाए गए, कितनी मांगी जाएगी वो अलग बात है, लेकिन मैं जैसे कि ये पूरी PDF में जो अनफेयर सीसेट ग्रुप का है उसमें डाला गया था, तो मैं सोचा कि जो भी दर्शक जो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से वो इन सब चीज़ों से अवगत हो सके। इसके बाद जो 5वें नंबर पर है फ्रेंड्स, लेटरल एंट्री की जो अभी काफ़ी देखा जा रहा है प्रचलन बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये तेज़ी से बढ़ेगा और इसके कारण से जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो कम होती जाएगी, उसके माध्यम से सिलेक्शन जो है कम होगा और डायरेक्ट जो है लेटरल एंट्री के तहत जो है सिलेक्शन होगा। और ये लोग पूरा डेटा दिए हुए हैं कि किस तरह से लेटरल एंट्री के कारण से जो है वैकेंसी जो है दिन प्रतिदिन कम आती गई है, ये 50% तक कम हो गई है। एक समय जो है 2012-13 तक का इसमें डेटा दिया गया है कि लगभग 1300 के आसपास सीटें आती थी, लेकिन अब ये जो घटकर जो है लगभग आपके 700 या 750, 800 के आसपास हो गई है। हालांकि पिछले साल सीटें ज़्यादा थी, लेकिन उतनी सीटें आ नहीं रही है हर साल। ठीक है, तो ये सब पूरा दिया गया है, पूरे जो है पढ़ सकते हैं, पूरा डेटा दिया हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी जो मांग है वो मैं भी इसका पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, ये जो एंसर की को लेकर है कि एंसर की आपने देखा होगा कि UPSC जो है एंसर की जो है वो काफ़ी लेट देता है। ठीक है, और लेट क्या, ऐसा मान के चलिए कि जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही इसका एंसर की दिया है, जबकि फाइनल जो इनका जो रिजल्ट था वो मई में ही आ गया था, तो अब वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो पिछले साल के भी अपने आंसर का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि मार्केट के आंसर किस आपने देखा होगा कि किस तरह से आंसर जो है वेरी करता है। तो जब तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं किया जाएगा रिजल्ट के तुरंत बाद, जो मान के चलिए कि एग्ज़ाम होता है उसके तुरंत बाद, चाहे जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है कम से कम उस दिन जो है रिजल्ट आंसर की जारी कर दिया, जैसे कि BPSC और अन्य आयोग PCS में होता है, तो ये छात्रों के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि अंतिम में ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है या उसके आंसर बदल दिए जाते हैं, और उस पर कोई जो है मान के चलिए कि चैलेंज भी नहीं कर सकता है, जो आयोग का
मेंशन है कि उस पर जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो मेरा यह मानना है कि आंसर की जो है जारी होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने पूरा बताया हुआ है, एक एक प्रश्न जो है काफ़ी मायने रखते हैं इसके, ठीक है, पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेंड्स जो है जैसे कि मैंने बताया कि तुरंत आंसर की वगैरह की सब की मांग चल रही है, और इसके बाद अब जो फाइनली ये कंक्लूजन के रूप में कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी पीडीएफ था उसका कंक्लूजन ये है कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ हुए इस अन्याय के कारण छात्र समुदाय में भारी असंतोष है और इसने संवैधानिक निकाय यानी कि यूपीएससी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इसलिए हमें अपनी मांगों अवलिक चिंताओं के तीव्र और त्वरित समाधान की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब यह मामला जो है कोर्ट में चला गया, आपको मालूम ही है कि हियरिंग जो है होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और अगली जो हियरिंग इसकी है वो आपको 20 जुलाई को रखी गई है इसका डेट, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आप बताइएगा कौन कौन सी मांगे जो है स्टूडेंट की जायज़ है और कितना आप बदलाव का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स वीडियो में, और मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।